दोस्तों बीती रात बिग बॉस के घर के अंदर नील भट्ट, ऐश्वर्या और अभिषेक इनकी लड़ाई हुई। अभिषेक जहां ऐश्वर्या के और नील भट्ट के खिलाफ जमकर काफ़ी कुछ बोले, लेकिन इस दौरान नील ने अभिषेक के साथ अपना मैटर सुलझा लिया। ऐश्वर्या को वो काफ़ी देर तक शांत कराने की कोशिश करते रहे, पर ऐश्वर्या शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इनफैक्ट ऐश्वर्या ने नील को भी बहुत ज़्यादा डांट दिया। बीते एपिसोड में भी हमने ये चीज़ देखी थी कि नील को ऐश्वर्या बात बात पर डांट देती है और उनको काफ़ी ज़्यादा मोक करती है उनकी मिमिक्री करके। हालांकि नील इस बात का मुद्दा नहीं बनाते हैं और बार बार ऐश्वर्या को समझाते रहते हैं, लेकिन जनता जो सब देख रही है वो यहाँ पर ऐश्वर्या को स्लैम करती हुई नज़र आई और ऐश्वर्या पर गुस्सा उतारती हुई नज़र आई। एक फ़ैन लिखती है कि ऐश्वर्या शर्मा इज़ एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टफुल विथ नील, लाइक बहुत ज़्यादा। वहीं एक फ़ैन लिखते हैं, नील भट्ट भाई क्या मजबूरी है इसकी ऐश्वर्या शर्मा के साथ रहना पड़ रहा है। सी इज़ टू डिसरिस्पेक्टफुल विथ यू एवरी टाइम, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ हर? चिल्लाना, वियर्ड फेसेस बनाना, बदतमीजी से बात करना, सैल्यूट योर पेशेंस लेवल मैन। तो वहीं एक और फ़ैन का कहना है कि ऐश्वर्या यू आर क्रैश, प्लीज़ गेट आउट ऐश्वर्या, कान फट रहे हैं, टीनेजर इज़ मोर सेंसिबल देन यू, आई फील सैड फॉर नील भट्ट। ऐश्वर्या शर्मा लव टू यूज वर्बल अब्यूजेस, दिस इज 9th टाइम शी यूज द वर्ड चूतिया। इफ दिस वॉज अ मेल कंटेस्टेंट हु हैव यूज दिस वर्ड देन बिग बॉस 17 टीम मेकर्स वुड हैव रेज्ड हेल। नील भट्ट हैज़ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अंकिता लोखंडे इज काम। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऐश्वर्या के बाहर जो रोल था, जो कि एक सीरियल के अंदर ये वैम्प का रोल कर रही थी, उस रोल को लेकर भी इन्हें ट्रोल किया गया। द खबरी लिखते हैं कि फाइनली द वैम्प हैज़ अराइव्ड आफ्टर हाइडिंग हर रियलिटी फॉर 3 वीक्स। ऐश्वर्या शर्मा द ऑफिशियल वैम्प एंड नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ बिग बॉस 17। ऐश्वर्या को यहाँ पर उन्होंने वैम्प घोषित कर दिया और कह दिया है कि भैया घर के बाहर तो वैम्प थी ही और घर के अंदर भी वैम्प बन गई है। आप तो जानते ही हैं कि आयशा के साथ जो सीरियल इन्होंने किया था उसके अंदर इन्होंने वैम का किरदार निभाया था, और जहां आयशा को सपोर्ट तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग मिली थी। कमेंट करके अपनी राय बताएं कि आपका क्या कहना है इसको लेकर, और बेखबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।